नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आमिर ने दिया सलमान और बिग बी को मुंबई। अक्षय कुमार, सोनम कपूर और राधिका आप्टे स्टारर फिल्म पैडमैन 9 फरवरी को रिलीज हो रही है। फिल्म में सैनिटरी नैपकिन को लेकर जागरूकता की कमी का मुद्दा उठाया गया है। इसी बीच अक्षय की पत्नी और एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना ने फिल्म को प्रमोट करने का एक नया तरीका निकाला है। उन्होंने हाल ही में पैडमैन चैलेंज नाम की एक शुरुआत की है। ऐसे में जो भी स्टार किसी दूसरे का नाम नॉमिनेट करेगा उसे अपने हाथ में सैनिटरी नैपकिन लेकर एक फोटो सोशल मीडिया अकाउंट पर तस्वीर पोस्ट करनी होगी। आमिर ने दिया सलमान, शाहरुख और अमिताभ को चैलेंज। पैडमैन चैलेंज में अपने तीन दोस्तों को नॉमिनेट करना होगा। आमिर खान ने शुक्रवार को पैडमैन चैलेंज एक्सेप्ट कर सोशल मीडिया पर सैनिटरी पैड हाथ में लिए एक फोटो पोस्ट की थी। उन्होंने ट्वीट कर ये भी लिखा, धन्यवाद ट्विंकल खन्ना, हाँ मेरे हाथ में पैड है और इसमें शर्मिंदगी की कोई बात नहीं, यह प्राकृतिक है, पीरियड। आमिर ने इस फोटो के साथ शाहरुख खान, सलमान खान और अमिताभ बच्चन को इस चैलेंज के लिए नॉमिनेट किया। फिल्म के लीड स्टार अक्षय कुमार ने भी अपनी एक फोटो पोस्ट की जिसमें वो हाथ में सैनिटरी नैपकिन लिए दिखे। उन्होंने इस चैलेंज के लिए आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण और इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को चैलेंज दिया है। फिलहाल अक्षय के इस चैलेंज को आलिया भट्ट ने एक्सेप्ट किया और हाथ में सैनिटरी नैपकिन लिए तस्वीर शेयर की है। फिल्म में हीरोइन राधिका आप्टे ने भी अपनी फोटो पैड के साथ पोस्ट करते हुए आयुष्मान खुराना, कल्कि कोचलिन और अदिति राव हैदरी को इस चैलेंज के लिए नॉमिनेट किया है। दोस्तों, हमारी हर न्यूज को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।